जी किस तरह है आप? हाँ प्रियंका देख लिया। हाँ विराज जी नमस्ते। विराज जी जरा अपने विषय में बताइए, किस योजना में इनका लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। सर्वप्रथम आपको मेरा मेरी ओर से सागर जन्म वंदना और श्री राम जन्म भूमि की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो आपके शुभ कार्यक्रमों द्वारा सफल हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मान्यवर मैं मेरा नाम वीना देवी परिहार है। मैं जिला किश्तवाड़ के दूर दराज क्षेत्र देवभूमि पात्र से बिलोंग करती हूँ। अटोली मेरे गांव का नाम है सर। मैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ सर। गांव का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता था, जैसे गांव में जंगल से लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाना बहुत दिक्कत आती थी। माननीय महोदय इस संबंधी ये चूल्हे का जो खाना बनाने की व्यवस्था थी, इससे जीवन की अस्वस्थता के बहुत सारे कारण उत्पन्न हो गए थे। माननीय जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आज मैं उज्ज्वला जो मुझे कनेक्शन मिला है उसके द्वारा मैं आराम से अपने परिवार के लिए भोजन बना सकती हूँ, जो कि विद इन घंटे में काम सफल कर सकती है। तो पहला बाजार में बिक्री थी, आपको लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था, खुद जाना पड़ता था, खुद काट के लाना पड़ता था। तो अभी वो जंगल जाने वाला समय बच गया, चूल्हा जलाने का समय बच गया, तो उस समय का उपयोग क्या हो रहा है सर? आज हम क्या कहते हैं, हमारे परिवार में उसका उपयोग, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमारा समय बहुत बचत हो जाती है और हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी वो भी दूर हो गई है। और क्या लाभ मिला है आपको? आयुष्मान कार्ड प्रदेश है जिसका बना हुआ है, राम कृपा से अभी ऐसी लोगों को नहीं आई है, किंतु पूरी आश्वस्त हूँ कि कभी भी कोई अगर आपदा आन पड़े तो मेरे मंत्री महोदय ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक उपहार स्वरूप दिया है, जो मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपना उपचार 5 लाख के अंदर करवा सकती हूँ। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी ना आ जाए। धन्यवाद वीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नमस्कार जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीना जी।